यूपी के हमीरपुर में आज अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। गोताखोरों की मदद से लगभग 3 घंटे बाद युवक का शव बरामद किया जा सका। मामला हमीरपुर कोतवाली सदर इलाके से सामने आया है। स्थानीय लोगों ने युवक का नाम शोभित दीक्षित निवासी बांध गांव बताया है, जो हमीरपुर से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाली यमुना नदी में अज्ञात कारणों के चलते कूद गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस फौरन ही गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गोताखोरों को युवक मिल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक तब तक दम तोड़ चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। युवक कभी छलांग लगाई है, क्या है, कैसी स्थिति है? ये युवक अस्पताल में जिला अस्पताल हरिपुर में लाया गया है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। वो उसके बारे में बताया गया कि उसने यमुना पुल पे से नदी में छलांग लगा दी है। यहाँ पर जाने के बाद करने के बाद उसको डेथ घोषित कर दिया।